वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक्स वापस आ चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि सोफिया ने बहुत ही इंजॉय किया होगा अपने सॉन्ग को। हमने भी किया है वैसे तो, और हमें ज्वाइन कर लिया हमारे न्यू गेस्ट ने जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, नौशाबा हबीब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नौशाबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? आज वैलेंटाइन है? No, मैं ठीक हूँ। आपको देखकर मुझे थोड़ा सा वो रहा कि यार वैलेंटाइन सेलिब्रेट नहीं कर सकी ना, तो आज मैंने कहा आज थोड़ा सा आज चैनल पे ही कर लेते हैं। हम कुछ मंगवाओ के लिए, रोज केक और चॉकलेट सारे रोज रखे हुए, फ्लावर से फ्लावर से आपको फ्लावर वाले कपड़े पहने हुए हैं, फ्लावर से फ्लावर। ठीक है जी, जबरदस्त। हमारे साथ ताजवर बेग साहिबा हैं, शेफ हैं, बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें कर रही हैं। अगर ताजवर ने कुछ ला कर दिया, हमें बना कर दिया खाने के लिए, बहुत सारा सब कुछ मैंने खा लिया, इनटेक तो बहुत सा कुछ कर लिया, बर्न किस तरह से करें? बर्न करने के लिए ना, ये आप माइंड अपना रेडी रखो कि वॉक करनी ही करनी है, क्योंकि बर्न करना है तो उसको हर सूरत में सुकून से बैठना नहीं है, सुकून से बैठना नहीं है, क्योंकि हाई कैलोरीज होंगी जो ये बना के देंगे, वो हाई कैलोरीज तो होंगी। ठीक है, केक है, केक बना के देंगे ना आप, तो केक बना के देंगे तो हाई कैलोरीज है। तो उसके लिए ये कि 25 मिनट्स की जो है वॉक, एक स्पीड उसमें रखें वॉक में, और लाइफ स्टाइल में हो ये हमारे, ऑफकोर्स लाइफ स्टाइल में जो है हमारे पास डेली 25 मिनट की वॉक जरूर जरूर होनी चाहिए, एक अच्छी लाइफ को लेके चलने के लिए। 25 मिनट टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ट्रेडमिल यूज कर ले, अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो ट्रेडमिल घर में यूज कर ले, अगर ट्रेडमिल भी यूज नहीं कर सकते हैं तो घर में कोई एक पॉइंट बना लें, और उस पॉइंट्स के घर में कोई भी लीनियर सी स्पेस हो, ठीक है, या बहुत सारे लोगों के घर में ऊपर फ्लोर होती है, छत होती है, ठीक है, स्टेयर्स चले जाएं, छत पे जाके वो वहां पर आधे घंटे की या 25 मिनट की वॉक कर ले, लेकिन वॉक करनी बहुत जरूरी है एक अच्छा लाइफस्टाइल रखने के लिए। यार वॉक हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने देखा है नौशाबा, बहुत सारे लोगों को वॉकिंग पार्क में या फिर गलियों में छतों पे वो कर रहे होते हैं, मतलब नॉर्मली मोबाइल यूज कर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से वॉक करनी चाहिए, मोबाइल यूज करते हुए वॉक नहीं, क्योंकि आपका माइंड भी डाइवर्ट हो रहा होता है, आपका माइंड जो है आपकी वॉक की तरफ होना चाहिए, कैलोरीज बर्निंग की तरफ होना चाहिए, ना कि आप उसको मोबाइल यूज करते हुए या ठीक है देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, मैसेज करना उन्होंने, इस तरह से सही नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन से सिर्फ वॉक को कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स होंगे हमारे, वो ये कह रहे हैं यार वॉक तो करते हैं हम और वो मोबाइल भी मतलब यूज कर रहे हैं साथ साथ, कहते हैं कि वो तो फर्क ही नहीं पड़ता हम पे, तो इसी वजह से कि वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रही, नहीं उनको हो रही होती। कॉन्सेंट्रेशन जो है ब्रेन की, जिसे आप कहते हैं इर्तकाज़ तवज्जा, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रही होती, तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन से आप वॉक नहीं करेंगे, आप ये माइंड बना के करें कि मैं वॉक कर रही हूँ तो अपनी कैलोरीज को बर्न करने के लिए कर रही हूँ, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, अपने अच्छे एक लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए जो है हम वॉक को जिंदगी में शामिल रखें। देखिए और फिर पता है क्या होता ही है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि वॉक करें, एक दिन हम वॉक करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, फिर हमें दो दिन बाद ख्याल आएगा कि अच्छा अभी दोबारा शायद हमें वॉक कर लेनी चाहिए, फिर हम शुरू कर देंगे, हमारे पास ना एक रेगुलर हमारा टाइम टेबल नहीं बना होता, ठीक है, एक दिन की दो दिन फिर मूड नहीं किया छोड़ दी, फिर तीसरे दिन फिर मूड किया फिर शुरू हो गए, तो एक कंटिन्यूएशन में हम एक चीज को नहीं कर रहे होते। एक अच्छी एक्टिविटी अगर हमने अडॉप्ट की है तो उसको हमें चाहिए कि वो कंटिन्यूएशन में हम उसको रेगुलर बेसिस पे करें, और वॉक जैसे भी नौशाबा कह रही थी ना कि 20 to 25 मिनट्स ही वॉक, ये तो लाजमी है, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने कोई इसमें वेट लॉस का चक्कर नहीं है, देखो वेट लॉस नहीं, ये आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जी, सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, हार्ट के लिए, ये अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए 20 to 25 मिनट्स की वॉक तो वैसे ही आपको इंसान को रोज हमें डेली करनी चाहिए, किसी भी वक्त आपको दिन में टाइम मिल रहा है, शाम के बाद टाइम मिल रहा है, अर्ली टाइम 4-5 बजे के बाद ऑफिस से वापस आने के बाद मिल रहा है, रात को खाने से पहले थोड़ी सी चहल कदमी करें, ये जरूरी है। जिस तरह आपने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए हमें वॉक करना चाहिए, तो क्या अगर सर में दर्द हो, हमारे इसमें भी कहते हैं ना कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती जब भी सर में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, तो क्या ताजवर बिल्कुल सही कह रही है? देखिए सर में दर्द के लिए तो सबसे पहले ये कि उनको कोई सी भी अच्छी सी पेन किलर जो सूट करती हो, पेन किलर जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि सर का दर्द जो है फिर ये बढ़ता है, फिर आपका जो पेन का थ्रेशोल्ड होता है वो आगे बढ़ जाता है, ये नहीं करना चाहिए। जैसे पेन स्टार्ट हो रहा है, आप देख रही हैं कि 10-15 मिनट आपने वेट किया है, नहीं ठीक हो रहा, तो पेन किलर ले लें, बजाय इसके कि वो शूट अप करें, पेन जो है आपका बढ़ जाए। पांच लोग नहीं लेते हैं मेडिसिन, कहते कि नहीं बस ठीक है हमें नहीं लेनी, बर्दाश्त कर रहे होते हैं, इतना नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है,
ताजा क्या करती हैं आप? मतलब होता है ना कि सभी की तबीयत खराब रहती है। देखो एक तो होता है ना कि आपको मामूली सा सर में दर्द है, ठीक है, और वो किसी भी वजह से, किसी स्ट्रेस में हैं आप, उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई डिप्रेशन हो रहा है, या वैसे ही मामूलात से हट के आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई है जिसने आपको ज्यादा स्ट्रेस आउट कर दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, कुछ ऐसा सर का दर्द हो सकता है जैसे हमें, हम कहते हैं माइग्रेन हो रहा है, ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को, उसके बहुत सारे, मैं खुद भी, मुझे हो जाए माइग्रेन, उसमें उसके लिए भी देखो, लेकिन उसमें दवाइयां लेने से ज्यादा अगर आप किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट को और दिखाओगे जाके, तो वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। अच्छा। और वो उन एक्सरसाइजेस के थ्रू वो कंट्रोल होता है। तो देखो हर जगह जो है ना, वो आपका बॉडी टेम्परमेंट देखते हुए आपकी एक्टिविटीज जो है ना, वो कितना जरूरी होती है अपने लाइफ स्टाइल के अंदर, जिंदगी के अंदर शामिल करना। अगर आप वो एक्टिविटीज नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, आपकी कोई सोशल एक्टिविटी नहीं, आप घर में पूरा दिन पड़े हुए, ठीक है, बंदा देखो उकता जाता है, उकता जाता है, उकताहट हो जाती है, बोर हो जाता है बिल्कुल। और वही चीज देखो आपके जहन में, आप बैठ नहीं रहे, मिलके बात नहीं कर रहे, किसी से मिलना जुलना नहीं है, आइसोलेटेड लाइफ आप गुजार रहे हैं, तो आइसोलेशन में लाइफ गुजारना बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। घर पे बैठकर अगर बैठ भी जाते तो बातें नहीं करते एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन मोबाइल में यूज कर रहे होते हैं ना, मोबाइल क्या साइड इफेक्ट्स हैं बताएं, मोबाइल जो है, मोबाइल के साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वेव्स हैं और ये हाई वेव्स हैं, ये आपके ब्रेन को भी डैमेज कर रही होती है। कोशिश क्या करें कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हैंड फ्री इस्तेमाल करें, अगर आप कॉल यूज कर रहे हैं, कॉल सुन रहे हैं, तो हैंड फ्री के साथ कॉल को आप लिया करें, क्योंकि इसकी जो वेव्स हैं आपके ब्रेन के अंदर, आपके ब्रेन को, सेल्स को डैमेज करती है, स्पेशली वाईफाई से कनेक्टेड या जो नेट से कनेक्टेड मोबाइल्स हैं, ठीक है। रात को जब आप सोने लेते हैं तो मोबाइल के जो स्विच है उसको एरोप्लेन मोड पे लगा के लेते हैं, ताकि वो रात के वक्त जो है वो वाईफाई या नेट से कनेक्टेड ना हो, क्योंकि आपकी ये जो हार्ट बीट है इसको डिस्टर्ब कर रही होती है, आपके ब्रेन सेल्स है इसको डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, अक्सर लोग तो पिलो के नीचे रखकर सो रहे हैं, पिलो के नीचे रख के सोना तो और डेंजरस है, और डेंजरस है, क्योंकि आपको पता है ये जो वेव्स होती है ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही होती है, इसके ये काफी दूर तक जा रही होती है, तो ये आपके ब्रेन को भी लपेट में ले रही होती है, हार्ट को लपेट में ले रही होती है, तो ये इसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही होती है। हमें आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन ये बेटर नहीं है। एक अच्छे लाइफ स्टाइल को गुजारने के लिए, अच्छी जिंदगी को गुजारने के लिए कुछ प्रिकॉशंस को करना बहुत जरूरी है, जिसमें ये आजकल क्योंकि मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा है, और इसको आप सही तरीके से यूज करें, मोबाइल को प्रॉपर तरीके से इसका यूजेज रखें, ठीक है, ताकि आप जो है बहुत सारी बीमारियों से, कॉम्प्लिकेशन से जो ब्रेन में आती है, जो हार्ट में आ रही है, उनसे बच सकें। देखो हमारे पास तो क्या होता है, लोग आजकल आपने देखा होगा छोटे से छोटा बच्चा भी है, बिल्कुल प्ले ग्रुप का बच्चा, मोबाइल यूज करोगे उसको एप्स यूज करने आते होंगे, वो अपनी पसंद का सॉन्ग लगा लेगा, अपनी पसंद की वीडियो चला लेगा, अपनी पसंद की पिक्चर निकाल लेगा, तो ये सारी चीजें देखो ये हमने ही सिखाई है ना, देखो शुरुआत तो हमने की है इन सारी चीजों की, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हम क्यों छोटे बच्चों को मोबाइल फोन ऐसे हाथ में पकड़ा देते हैं, बच्चे रो रहे, हमें कोई और बहाना नहीं मिलता, मोबाइल फोन ले लो, उस पे सॉन्ग लगा लो, कोई पोएम लगा लो, बिजी हो जाए, समटाइम्स अभी तो मदर इसलिए भी देंगे कि वो कुछ काम कर लेंगी, थोड़ा बच्चा बिजी हो जाए, ठीक है, ये भी उनकी एक सोच होती है, लेकिन ये गलत है। अच्छा, बच्चों को कुछ एक्टिविटी चाहिए, मोबाइल पकड़ा दिया, टैबलेट्स पकड़ा दिया, अच्छा आप खुद बच्चों के साथ सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो यहीं से हमारा कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बच्चों के साथ खेल नहीं रहे, उनके जो भी कोई पसंदीदा गेम्स हैं आप कोशिश करें कि उनके साथ इन्वॉल्व होके उसको करने की कोशिश करें, आजकल आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा, बच्चे ड्रॉइंग करें उनके साथ बैठ के, जो है ना वो आप ड्रॉइंग करें, बच्चे कोई चीज बना रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की आपने उन्हें चीजें दे दी, वो बना रहे, तो उनके साथ बैठ के बनाएं, बच्चे अगर पार्क में जा रहे हैं उनके साथ जाएं, आप अपनी कोई वहां पे बैठ के बुक रीड कर लें, लेकिन उनके साथ या फिर बच्चे खेल लें और आप वॉक कर लें, वही 25 मिनट्स पार्क में उनको लेके जा रहे हैं, तो वो खेल में बिजी है, ठीक है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, और आप जो वॉक कर लें, अपना टाइम यूटिलाइज कर लें, अपना टाइम इस तरह देखिए लाइफ और लाइफ स्टाइल में जितना हम, मैं ज्यादातर अपनी बातें मेरी जो है ना वो फूड और उससे रिलेटेड होती है, लेकिन मैं उसमें आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ। हमारे पास जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, देखो मदर्स क्या करती हैं, बाज दफा अपना टाइम भी सेव करने के लिए चीजें देने के लिए हम पैसे पकड़ा देते हैं, जो कैंटीन से कुछ ले लेना, ठीक है, कैंटीन से जो चीजें मिल रही होती हैं आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कितना अनहाइजीनिकली, इवन अगर वो स्कूल के अंदर भी मौजूद है तो आपने नहीं देखा होता वहां जाके कि वो किस तरह से वो चीजों को बना रहे हैं। सही बात। और फिर अगर वो किसी पैकेट के अंदर भी कोई चीज मौजूद है लेकिन वो बाहर की चीज बच्चा ले रहा है,
फिर बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बिल्कुल बेहतर है कि आप उन्हें घर से, देखिए इतना टाइम नहीं लगता, स्पेशली आप जो बाहर से लेकर फ्रोजन फूड भी लाते हैं वो भी कम से कम आप इस्तेमाल करें, ठीक है। फ्रोजन फूड भी इतना अच्छा नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड हुए भी होते हैं ना, तो प्रिजर्वेटिव्स तो आप घर में चीजें बना के दें। आपको फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, आपका आलू कितना महंगा कितना है यार, आप आलू लें घर में अच्छी लें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। नगेट्स आप घर में बना के दें, जो माए उनके तो टाइम की शिकायत करना नहीं, हम लोगों ने अपनी आदत हमें कोई भी चीज होती है हमें टाइम ही नहीं है, ठीक है। हमें टाइम मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट हमारे लाइफ स्टाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, क्या चीज किस वक्त पे करनी है, किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। हम हर वक्त बस सिर्फ यही कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इवन रिलेटिव से भी नहीं मिलने जाते हैं, उस तरह से चीजों को असल में, तो इसलिए हमारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो टाइम हमें मिलता ही नहीं है किसी चीज के लिए। टाइम किस तरह से मैनेज किया जाए, शेड्यूलिंग की जाए अपने पूरे पूरे दिन की, शेड्यूलिंग जो लोग करते हैं वो ही टाइम मैनेजमेंट कर भी सकते हैं आराम से, टाइम टू टाइम हर चीज से खाना पीना, लोगों से मिलना है, अपनी जो बच्चों की स्कूलिंग के लिए टाइम है। बताएं दोनों, मेरी रूटीन तो बहुत आ जाएगी किसकी मेरी रूटीन तो बहुत टफ है। सुबह 6 बजे उठने के बाद जो है मैं किड्स के लिए नाश्ता करना, उनको तैयार करना स्कूल के लिए, स्कूल भेजना, उसके बाद जब वो स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं लंच, क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, तो मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी होती है, उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए निकलती हूँ, हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ, ठीक है। और उसके बाद वहां से आने के बाद बच्चों के स्कूल से आने से पहले मुझे घर में होना होता है, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है वो उनका वेट करती हूँ थोड़ी देर, मेरे ख्याल से मुझे आधा घंटा लगता है जस्ट जब बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद उनको सर्व करना, उनकी उनको रेडी करना, ट्यूशन के लिए रेडी करना, उसके बाद मैं शाम को 5 बजे दोबारा फिर दूसरी सेकंड हॉस्पिटल के लिए जॉब के लिए निकलती हूँ, ठीक है। उसका फिर 8 बजे फिर घर में, फिर उसके बाद फिर बच्चों के साथ सारा टाइम बच्चों के साथ, फिर वही रूटीन, और रात को 12 बजे आते हैं मुझे सोते सोते, ठीक है। सुबह ये जरूर मैंने किया हुआ कि मुझे 10 से 15 मिनट की रोजाना जो है योगा की कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, और जितना वॉक का मुझे टाइम मिल जाए, अगर मिल जाता है तो हफ्ते में 3 दफा तो जरूर रहती है, ऑल्टरनेट डेज पे तो वॉक जरूर रहती है मेरी, तो वो मैंने मैनेज किया हुआ है। वो सारा वो मेरे पास एक पेपर है, उस पे वो टिक 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 करती रहती हूँ मैं, बिल्कुल ऐसी रूटीन, क्योंकि मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ, तो जाहिर है मुझे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और फिर वो उठ के और अपना नाश्ता भी प्रिपेयर करना है, और बेटा जरा अभी छोटा है, अभी स्कूल गोइंग नहीं है, तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, वरना जाहिर है जब अभी उसके खुद शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑफिस जाना, फिर ऑफिस में जाहिर है डिफरेंट कभी मीटिंग्स होती हैं, आपके अपने जो हमारे ऑफिस के मामला हैं उन्हें देखना होता है, तो वो 9 to 5 का जो टाइम है वो इतना बिजी स्केड्यूल गुजरता है, ठीक है। उसी में फिर हमारा लंच और प्रेयर ब्रेक भी आता है, तो वो भी हमें देखना होता है। फिर उसके बाद जब मैं शाम में 5:30-6 बजे घर आती हूँ, तो मैंने अपना रूटीन शाम का जो है वो खासतौर पर बेटे के साथ पूरा एक प्रॉपर बनाया हुआ है। उसको पार्क में जाना होता है, मैं उसके साथ वॉक करती हूँ, वो पार्क में खेलते हैं, 40 मिनट्स हमारे तकरीबन इस तरह से गुजरते हैं, और फिर वापस आके फिर उसकी एक्टिविटीज होती हैं, और मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि मैं बेटे के साथ ना उसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहूँ, ठीक है। एक तो वो छोटा है अभी, ठीक है, उसकी एज है कि वो हर चीज को देखें, अपने बड़ों को देखकर वो अडॉप्ट करेगा, तो इस जगह पे खासतौर पर ऐसी, इवन चाहे आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं, लेकिन बच्चों की एक्टिविटीज को बहुत आप देखें, उनको मॉनिटर करें और उनके साथ साथ रहें, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो आप उन्हें दिखा रहे होते हैं या आप खुद अपना रहे होते हैं, ठीक है। मैंने एक चीज देखी है, जैसे आप लोगों ने अपनी रूटीन बताई बहुत ही जबरदस्त, जो वर्किंग वुमेन होती है ना, वो घरेलू जो खवातीन होती है उनसे ज्यादा सब कुछ कर रही है, ज्यादा मैनेजमेंट करती है चीजों को, वो बहुत फ्री रहती है। देखो आपको दो तरफ से ध्यान देना है, आपको अपने वर्क का भी पूरा, उधर भी आपको बेस्ट देना होता है, आपको घर में भी, घर के मामला, डोमेस्टिक लाइफस्टाइल में भी आपको बेस्ट देना होता है, ठीक है। तो आप दो चीजों को इकट्ठा मैनेज कर रहे हो, एज कम्पेयर टू जो घर में बैठे कर रहे होते हैं। इसीलिए देखो वर्किंग लेडीज जो होती है, उनका जो टाइम टेबल अगर कंपेयर करो घर में रहने वाली हाउसवाइफ से, तो उन्होंने ज्यादा बेहतर अपना टाइम टेबल बनाया होता है, और वो अपने टाइम मैनेजमेंट उनकी ज्यादा अच्छी हो रही होती है, उन्हें पता होता है कि अच्छा घर वापस आके ये हमने टास्क
जो है ना वो कंप्लीट है। सही, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बाहर की भी देखना और घर को भी देखना। ये ना कि मतलब घर वालों को भी जवाब देना पड़ता है, अगर अनमैरिड है तो मामा है, बाबा है, भैया है, सारे लोग होते हैं, और अगर मैरिड है तो सबसे बड़ी बात अपने लॉज, सास अम्मा और हस्बैंड जो है वो तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं देखो, ईटिंग हैबिट्स भी हमारी जो है ना वो बहुत खराब है, ठीक है। जिस तरह मैंने जब वजाहत साहब हमारे साथ थे, मैं उस भी ये बात कह रही थी कि हमें ईटिंग हैबिट्स ही अपनी नहीं पता, हमारी सही ईटिंग हैबिट्स को फॉलो नहीं करते, मंचिंग पे लगे हुए हैं, ठीक है। शाम की चाय पे जरूर हमें समोसे जलेबियां खानी होती है, इस तरह की चीजें, ठीक है। घर में टीवी देख रहे हैं तो जरूर चिप्स हाथ में होंगे, तो पैकेट होगा, पॉपकॉर्न होंगे तो वो मंचिंग चल रही है, निम्को होंगे तो वो चल रहा होगा। थ्रू आउट द डे हम मंचिंग भी बहुत करते रहते हैं, तो मंचिंग इज नॉट गुड एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आप अपने स्मॉल अगर दिल चाह रहा है तो क्या करें? नहीं, दिल देखे, दिल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस खाते चले जा रहे हैं, हाँ दिल को समझाना जरूरी है, हाथ ही नहीं खाने पीने में जा रहे हैं। देखो स्मॉल पोर्शन में, ठीक है, हमेशा मैं कहती हूँ कि मील हमेशा हमें यही बताया जाता है कि एज अ फूड एक्सपर्ट भी हम यही एडवाइस करते हैं कि स्मॉल पोर्शन में खाना लें, ठीक है। अच्छा, लोग हमारे पास वही जैसे हम बात कर रहे थे कि सुबह का नाश्ता जो है वो इतना ज्यादा हैवी कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप उसके बाद दोपहर का खाना है वो भी आपने हैवी लेना है लाजमी, ठीक है। चीजों को रखें, अच्छा अगर नाश्ता चले थोड़ा बहुत हैवी कर लिया तो चले दोपहर का जो खाना है वो थोड़ा सा लाइट ले लें। सही, आप जरूरी नहीं है कि आप राइस ही लिए चले जा रहे हैं, आप चपाती पे आ जाए, ब्राउन ब्रेड पे आ जाए, ठीक है, उसके साथ आप ले लें, आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ले लें। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ईटिंग हैबिट्स में कि लोगों को फ्रूट्स की आदत नहीं होती, आदत नहीं है, ठीक है। वो इवन खाने के बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कोई डिजर्ट लेना है या कुछ लेना तो आप फ्रूट्स ले लें, काट के ले लें, अगर वैसे नहीं खाया जा रहा। लोगों को हमारे पास रिच वाले डिजर्ट्स खाने होते हैं, ठीक है, दूध शुगर चीनी के बने हुए खाने होते हैं, शुगर बहुत चाहिए। लेकिन तो मौसम का पहले हीटिंग हैबिट्स में अगर हम मौसम का फल, जैसे आजकल जो सीजन चल रहा है, अब दो ऑरेंजेस भी जाने वाले हैं, ठीक है, जो ऑरेंजेस जो है लोग इस्तेमाल करना शुरू, ऑरेंजेस जो है वो बहुत अच्छे हेल्थ के लिए, बहुत अच्छे वाइटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऑरेंजेस जो है आपके वेट को भी कम कर रहे होते हैं, वेट को भी इसमें, वेट कम करने में इसमें हेल्पफुल है। तो ऑरेंजेस जो है अपनी लाइफ में उसका यूज डेली यूज में रखें। यार तो जितने भी डाइट वाले लोग हैं वो तो लाजमी खाएं, बिल्कुल खाएं, जिनको डाइट कंट्रोल करना है, जिनको डाइट कंट्रोल करना है, जिनको अपना वेट कंट्रोल करना है। फ्रूट्स में आपको इस तरह के विटामिंस भी होते हैं, ठीक है, आपका पोटेशियम भी हो रहा होता है फ्रूट्स के अंदर, जिंक भी हो रहा होता है कुछ फ्रूट्स के अंदर। हाँ, कुछ ऐसी फ्रूट्स हैं, देखें अगर आप जैसे डायबिटिक हैं, ठीक है, तो आप मैंगो है या बनाना है, जब मैंगो का सीजन आता है तो उसको थोड़ा बहुत आप कम उसकी इंटेक रखें, ठीक है, मतलब लेकिन हाँ खा सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस लेकर खाएं। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास लोगों को फ्रूट्स की और स्पेशली वेजिटेबल्स की आदत है। देखिए हमारे पास लोग ना गोश्त और ज्यादा, ठीक है, ठीक है, मीट प्रेफर करते हैं हर चीज के अंदर, सब्जी डालेंगे, गोश्त नहीं होगा तो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, खाया नहीं जाता हर चीज के अंदर, चाहे वो आपका रेड मीट हो या आपका व्हाइट मीट हो, उन्होंने डालना जरूर है। वेजिटेबल्स के साथ डाल देंगे मीट, आप खाली वेजिटेबल प्रेफर नहीं करते, और ये चीजें खाया नहीं जाता, तो आप शेफ होने के नाते क्या बताएंगे कि किस तरह से सब्जियों को कुक किया जाए कि उसका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त। देखिए, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना हमारे पास आला कि सब्जियों का पका इतना देते हैं, सब्जियों की असल जो न्यूट्रिशंस है ना वो उसी वक्त उसके बैलेंस रहते हैं जब आप उनको बहुत ज्यादा कुक नहीं करें। हमारे पास सब्जियों को भी भुना जाता है, बकायदा मर जाती है, ठीक है, उसकी सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो सब खत्म हो जाती है। सब्जियों को हमेशा इतना ही कुक करें जितना वो उसकी क्रंचनेस और क्रिस्पनेस रहे और उसका अपना कलर जो है ना वो कायम रहे, ठीक है। हमारे पास कच्चा, कच्चा सा नहीं लगेगा, नहीं देखो कच्चा इसलिए नहीं, देखो सब्जियां इटसेल्फ ऐसी चीज है कि उसको आपको बहुत ज्यादा टेंडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास लोग हर वक्त इसी फिक्र में रहते हैं कि जब तक वो बन के भुन के बिल्कुल ब्राउन या रेड ना हो जाए, भून रहे होते हैं, आप डालें, लेकिन हर चीज में जरूरी नहीं है आप खाली सब्जियों की इतनी मजे मजे की चीजें, आप मिक्स वेजिटेबल्स इतनी मजेदार रेसिपीज उसकी बनती है, ठीक है। नगेट्स आप बना रहे हैं, आप चिकन के वेजिटेबल्स
वेजिटेबल जो है वो किस तरह से बनाना चाहिए ये बताएं, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में नई नई सब्जियां आती हैं। देखो गाजरें इतनी अच्छी आई हैं, ठीक है, स्प्रिंग अनियंस इतने अच्छे आए हुए हैं, आलू तो आपके ऑल द सीजन आपको मिलते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से क्विक बहुत अच्छी आपको मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी बता देती हूँ, ठीक है। आपको अगर वो 3 से 4 लोगों की सर्विंग करनी है ना तो आपको काफी होगा। आप 2 बड़े साइज से मीडियम आलू ले लें, ठीक है, छील के उसको मोटे क्यूब्स कर लें इतने साइज के। इसी तरह से कैरेट्स ले लें, उसको क्यूब्स कर लें छील के, ठीक है। आपको 2 से 3 कैरेट चाहिए होंगे, 2 आलू चाहिए। आप मटर ले लें, सीजन में इतने अच्छे आए हुए थे आजकल, और वो तो लोग फ्रीज भी कर लेते हैं छील के ताकि वो पूरा साल यूज करते रहे। आप 1 कप के करीब मटर ले लें, और जो आपका फूल गोभी होती है, ठीक है, जिसको हम कॉलीफ्लावर कहते हैं, वो ले लें 1 मीडियम साइज की, और उसके फूल अलग कर लें। इस तरह बिल्कुल आपने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेना है, ठीक है, उसको आप हीट करें, उसके अंदर आप 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक का जो जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है वो डालें, उसको स्टर करें, और उसके अंदर आप अनियन रिंग्स डालें, 1 मीडियम साइज की अनियन ले लें, उसके रिंग्स काटें और उसको शामिल कर लें। और अनियन को ब्राउन नहीं करना प्लीज, बिल्कुल जब वो गुलाबी से रंग की रहे उस वक्त आप उसके अंदर ये वेजिटेबल्स ऐड कर दें सारी, और सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी ऐड कीजिएगा। उसके बाद आप उसके अंदर 1/2 चाय की चम्मची भुना हुआ जीरा डालें, 1/2 चाय की चम्मची नमक जाएगा, जबरदस्त बनेगी ये तो, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम आप ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर, ठीक है, जिसको आप दक्षिणी मिर्च कहते हैं, वो डालें, और सिर्फ आपको थोड़ा सा आप हॉट सॉस या आपका जो सोया सॉस होता है फॉर एडिशन ऑफ टेस्ट, बस आप वो यूज करें। आप इसको स्टर फ्राई करें, मिक्स करें, और 1 कप बस पानी डाल के, और इसको आप रख दें, और आप इसको जो भी आपका पॉट है आपकी लिड उसके ऊपर लगी होनी चाहिए, ये अपनी स्टीम में और पानी के साथ ही कुक होगी, मतलब इसको बहुत ज्यादा हमें भाप लगेगी। आप देखिएगा अपनी स्टीम में, इवन आलू भी उस स्टीम में ही गलेगा, ठीक है, गोभी भी उसी स्टीम में गलेगी, और जब वो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो आपकी मिक्स वेजिटेबल रेडी है। आप उसके ऊपर से आप सोया सॉस या थोड़ा सा आप रेड सॉस डाल के सर्व करें, ठीक है, ये बहुत ही हेल्दी भी है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारे पास पैटी बनाना है, चिकन पैटी बनाएंगे, बीफ पैटी बनाएंगे, ठीक है, बर्गर खाना है, वेजिटेबल पैटी नहीं होगा, नगेट्स होंगे, चिकन नगेट्स होंगे, नाम सुन के पेट छोड़ देते हैं ना, शॉप पे छोड़ देते हैं, वेजिटेबल्स हाँ, चिकन छोड़ देते हैं, चिकन ठीक है, मतलब प्रेफर करते हैं ना चिकन एंड मीट को। हमने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम किया था एक और प्राइवेट चैनल पे, मैं आपको बताऊं, उसमें हमने खिचड़ी के लॉलीपॉप्स बनाए थे, वेजिटेबल के लॉलीपॉप्स बनाए थे, ठीक है, इस तरह की मजे मजे की चीजें जो है ना वो वैरायटी करके खाते भी नहीं है, ठीक है, माओ को ये भी प्रॉब्लम हो रहा बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, ठीक है। अच्छा उसका भी एक तरीका है मैं बताऊं, देखो बच्चों को अच्छे तरीके से अगर सर्व करो ना चीजें तो बच्चों को भी अपीलिंग लग रही होती है, ठीक है। माई क्या करती है, बस निवाला ठसाने के बच्चे पेट भर जाए, अच्छा मोटा हो जाए, प्रेजेंटेशन अच्छे, खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्ट करें, किस तरह से देखो आजकल इतनी सारी चीजें होंगी बच्चों के, देखा होगा छोटे छोटे से बच्चों की जो है ना वो कार्टून्स बने हुए, कलरफुल से बोल्स आते हैं, प्लेट्स आते हैं, स्पून्स आते हैं, ग्लासेस आते हैं, ठीक है, प्रिंट हुए हुए होते हैं उसके, इस तरह की चीजें लेकर आए जिसमें बच्चों को भी खाना जब डाल के दे तो वो शौक से अपनी पसंद की चीज के अंदर खाना खाए। ये जो बच्चे छोटे बच्चों के लिए, अब जो थोड़े बड़े बच्चे 10 साल के 12 साल के जो है उनको किस तरह से हम देखिए बोलो थोड़े समझदार पूछना है बच्चों के लिए। देखो मैं अभी ये स्पेशली चीज कह रही थी कि बच्चों को ना आप हमारे पास जंक फूड का बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है, और बाहर जाके खाना है, पिज्जा है, ठीक है, फ्राइड चिकन हो गया, ये वाली सारी चीजें कर रहे होते हैं। अच्छा व्हाई नॉट हम खुद से इसको देखो प्रिपेयर नहीं, ठीक है, अगर आपकी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप देख के चीजों को फॉलो करके तो कर सकते हैं ना, हम घर में नहीं बना रहे होते, ठीक है। अब घर में इतनी सारी चीजें बाद दफा पड़ी होती है, आपको आइडिया नहीं होता, आपके घर में ब्रेड अगर पड़ी हुई है, ठीक है, और आपके पास बटर मौजूद है या वेजिटेबल्स मौजूद है, आप अच्छे से सैंडविचेस बना सकते हो, उससे सैंडविचेस बना के, ठीक है, सैंडविचेस तो बच्चे पसंद करते हैं, सैंडविच की सैंडविच में आप कुछ भी उनको अंदर इतनी सारी चीजों के अंदर कर सकते हैं, ये वाली चीजें इस तरह से बच्चों को घर में बना के, आपका स्नैक टाइम हो रहा है, बच्चों को आप घर में चिप्स बना के दें, स्विल्स बना के दें बच्चों को, ठीक है, हम ये कोशिश ही करते वो खाएं और मतलब अंदर से वो ना हेल्दी रहे, मतलब ये ना कि बिल्कुल मोटे हो जाएं बट हेल्दी तो एटलीस्ट रहे। देखो मोटापे का कॉन्सेप्ट बच्चों में ना, ये माओ का जो कॉन्सेप्ट है ना गलत है कि बच्चा जितना मोटा होगा उतना वो हेल्दी होगा, ये सोचती है मदर्स के, ये बच्चा कमजोर हो गया, स्विल नजर आएगा, ये बच्चा कमजोर है, कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है, बच्चों को हेल्दी, देखिए बच्चों का स्पेशली मदर्स को पता होना चाहिए कि एक हम प्लान आता है, ठीक है, एक चार्ट होता है, उसमें दिया हुआ होता है चार्ट के अंदर के बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से उसका जो वेट है वो कितना होगा,
ठीक है, तो आप उसके ऊपर चलें, नहीं पता तो आप किसी भी अच्छे जो पीड्स होते हैं, पेडियाट्रिशियन होते हैं, उनसे पूछ लें, कोई पीड्स के अच्छे डॉक्टर हैं उनसे पूछ लें कि बच्चों का चार्ट क्या होना चाहिए, उनकी ग्रोथ में वेट कितना होना चाहिए उनके एज ग्रुप के हिसाब से। जो चार्ट है ना, इस पे भी हम बातें करेंगे, अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है और कुछ और भी दो तीन सवाल है मेरे पास आपसे और आपसे करना चाहूंगी अभी ब्रेक पे, जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। बट ब्रेक पे जाने से पहले उमर जाहिद साहब इस्लामाबाद से उनकी फरमाइश थी, अदनान समी का सॉन्ग है तेरी याद आती है, वाओ जबरदस्त, ये हमारा भी फेवरेट है, ठीक है, जिसको एंजॉय करें उमर जाहिद साहब आप एंजॉय करें। और इसके साथ ही साथ हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लाइफ स्टाइल पे हमारी मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहें डस गोल्ड। जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़वाती है, तेरी याद आती है कैसे वो बहारों के बीते नजारों के, कैसे वो बहारों सुनाती है और हम गुनगुनाती है, तेरी याद आती है। तेरी याद आती है।